तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्रिकेट वर्ल्ड की द ग्रेटेस्ट राइवलरी यानी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में। और ये मैच होने वाला है इस बार 2024 के T20 वर्ल्ड कप में यानी कि 9 जून को। और इस मैच के लिए सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये मैच हर बार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है और ऑब्वियसली टक्कर का मैच होता है और हर एक क्रिकेट फैन इस मैच के लिए काफी ज्यादा वेट कर रहा है। बात तो सही है। तो इस वीडियो में देखते हैं T20 वर्ल्ड कप में इन दोनों टीम्स के बीच क्या है, टू रिकॉर्ड्स है और इन दोनों टीम्स की क्या हिस्ट्री रही है अब तक। अच्छा, तो इस वीडियो को भाई लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक के बिना बिल्कुल मत जाना। ओके। तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हमेशा से टक्कर का मैच रहा है और हर एक कंट्री की नजर भाई इस मैच पर रहती है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हमेशा से नेल बाइटर मैच रहा है। और 2022 का T20 वर्ल्ड कप तो सबको याद होगा जिसमें विराट कोहली ने भाई काफी तगड़ी इनिंग खेली थी और अकेले विराट कोहली ने टीम इंडिया को वो मैच जिताया था। और हर बार की तरह इस बार भी इन दोनों टीम्स के बीच टक्कर का ही मैच होगा। तो अब देखते हैं T20 वर्ल्ड कप में इन दोनों टीम्स के बीच अब तक क्या है, टू रिकॉर्ड्स है। तो T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब तक टोटल 7 मैचेस हो चुके हैं जिसमें से 6 मैचेस जीते हैं टीम इंडिया ने और केवल एक ही मैच जीत पाई है पाकिस्तान। तो बेसिकली रिकॉर्ड से पता चलता है कि पाकिस्तान भाई काफी ज्यादा पीछे है टीम इंडिया से। और वो जो एक मैच पाकिस्तान ने जीता था वो था 2021 का T20 वर्ल्ड कप का मैच और वो मैच पाकिस्तान ने 10 विकेट से टीम इंडिया को हराया था। लेकिन 2022 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने बदला लिया और 4 विकेट से पाकिस्तान को मैच हराया जिसमें विराट कोहली ने 82 रन की काफी तगड़ी इनिंग खेली थी और अकेले उस मैच को जिताया था। और अगर T20 रैंकिंग की बात की जाए तो टीम इंडिया 12,410 पॉइंट के साथ रैंकिंग में नंबर 1 पर है और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान 10,023 पॉइंट्स के साथ रैंकिंग में नंबर 6 पर है। तो बेसिकली रैंकिंग में भी टीम इंडिया काफी ज्यादा ऊपर है पाकिस्तान से। और अगर इन दोनों टीम्स के T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री की बात की जाए तो टीम इंडिया 2007 में पहली T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती जो कि T20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन था और एक बार रनर अप रही है 2014 में और 2016 और 2022 में सेमीफाइनलिस्ट रही है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी एक बार चैंपियन रही है 2009 के T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन ये दो बार रनर अप रही है 2007 में और 2022 के T20 वर्ल्ड कप में और सेमीफाइनलिस्ट रही है 2010 में, 2012 और 2021 के T20 वर्ल्ड कप में। तो बेसिकली दोनों टीम्स एक एक बार चैंपियन रही है। तो अगर बात की जाए इन दोनों टीम्स की कैप्टनसी की तो रोहित शर्मा ने इंडिया के लिए एज अ कैप्टन 54 T20 मैचेस खेले हैं जिसमें से उन्होंने 41 मैचेस जीते हैं और उनका विनिंग परसेंटेज है 75.92%। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम ने 81 T20 मैचेस खेले हैं एज अ कैप्टन जिसमें से उन्होंने 40 मैचेस जीते हैं और उनका विनिंग परसेंटेज है 56.79%। तो बेसिकली विनिंग परसेंटेज में रोहित शर्मा काफी ज्यादा आगे निकल जाते हैं। तो ये है इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुछ T20 रिकॉर्ड्स। तो आप इस ग्रेटेस्ट राइवलरी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में बता दो और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।